ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਜੋ ਇਸ ਆਗ ਮੇਂ ਝੁਲਸ ਗਏ ਜੀ ਵੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤੇ ਕਿਆ ਸੁਣਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੁਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲਾਹ ਲਾਈ ਨਾ ਦੱਸ ਪਰਵਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਤੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਰੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹਾਂ ਗੋਪਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾ ਅਭੀ ਤੋ ਸਭੀ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਖੇਤ ਮੈਂ ਤੋ ਖੇਤ ਸੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਬੜੇ ਤੋ ਉਨਕਾ ਇਨਹੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੇ ਢੇਰ ਲਗਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਾਮ ਦਿਆ ਹੁਆ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿਆ ਪੱਥਰ ਕਾ ਔਰ ਬਸ ਅਭੀ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ मैं सभी को बुला के ले आया हूँ और इसके बाद हम आपको अपडेट देते हैं जिस बैल का हम सींग टूटा था और मस्त है अंकल लोग सारे तुड़ी वगैरह डाल रहे हैं क्या सुना जी डॉक्टर तो हम ब्याह करना नहीं करना कराई देना ब्याह मेरा है तो फ्रेंड्स अभी अंकल शादी की बात कर रहे थे कि आप शादी कर लो थोड़ा सा हमारा भी मुंह मीठा करें तो हंसी मजाक चला रहता है अंकल के साथ और अब गौशाला की अपडेट के बारे में आपको बताता हूँ कि जो बैल था हमने रेस्क्यू किया था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है अभी थोड़ा सा जख्म है लेकिन उसमें कोई तैसा ताज़ा जख्म नहीं है अब तो स्किन हील हो गई है उसकी तो अब से उसकी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर बंद तो थोड़ी देर तक बर्गर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपको थोड़ी सी गप्पे सुना देता हूँ तो अभी यहाँ पे चढ़ने यहाँ पे बैठने लगे तो फ्रेंड्स डेली की लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा रहता है कि गौशाला में आना जाना और थोड़ा अपने दिनचर्या के काम कुछ होते हैं तो मैं ऐसे कंटिन्यू ब्लॉग तो नहीं बना पाता लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि वीकली एक आधा मतलब साप्ताहिक आपको कुछ एक वीडियो कंटेंट वगैरह देता रहूं और जिसने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले टाइम में मेरा डेली अपडेट मिलता रहे अभी पेड़ के नीचे बैठ के कुछ अलग सा ही फील आ रहा है यहाँ पे बैठ के एकदम बिल्कुल फ्रेश ताज़ा हवा और इस हफ्ते मेरे पास दो अपडेट हैं दोनों जगह आग लगी हुई थी एक जो आग थी वो हमारे गांव के जहाँ पे हम घास वाला एरिया होता है जिसको हम लंबर बोलते हैं तो वहाँ पे आग लगी थी और दूसरा जो है वो एक पशुशाला में आग लगी थी जहाँ पे हम पशुओं को बांधते हैं तो
पशु कुछ जल गए थे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट हुआ और सब ठीक है अब तो। रिकवरी की वीडियो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जानबूझ के तो कोई आग लगाता नहीं है। अब दो जगह आग लगी थी, लेकिन डिफरेंस ये था कि एक जो आग थी वो जानबूझ के लगाई गई थी और एक जो आग थी वो जाने अनजाने में लग गई थी। और जिस पशुशाला में आग लगी थी वहाँ पे दोपहर का टाइम था और आजकल आपको पता ही है गर्मियों का दिन है, और अगर आग लग जाए तो उस पर कंट्रोल मतलब पाना बहुत मुश्किल है। 3-4 गाड़ियाँ तो फायर ब्रिगेड की लगी थी वहाँ पर, और मैं आपको उसका सारा वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे कैसे। अगर आपके नज़दीक भी पशुशाला है, अगर आपके यहाँ भी पशुशाला है, तो आपको 2-3 चीज़ों तो सावधानी बरतनी चाहिए गर्मियों में। एक तो आपके जहाँ पे आपका गोड है या आपका पशुशाला है, जहाँ पे आप पशुओं को बांधते हैं, वहाँ पे एक तेज़ धार हथियार होना चाहिए, जैसे दराट वगैरह या दराटी वगैरह, जिससे आप जल्दी से जल्दी पशु का रस्सा काट सकें। तब आप ये नहा सोचें कि पशु को खूंटे से ही छोड़ना है, जो वहाँ खुंड होता है वहाँ से छोड़ना है। और ये जो भैंस थी ये ज़्यादा इसलिए जलेगी क्योंकि इसे खोलने में ज़्यादा देर होगी, इनके पास वहाँ पे कोई तेज़दार हथियार नहीं था, तेज़दार कोई दराट या दराटी नहीं थी, जिससे वो जल्द से जल्द रस्से को काट दें और पशु को वहाँ से जल्द भगा दें। एक तो इनके गोड़ के अंदर भी बकरियाँ थी और मुर्गियों का भी एक पिंजरा था। इन्हें सब जगह देखना पड़ा, तो उस करके इन्हें वहाँ पे हबड़ा दबड़ी में ये खूंटे से खोल रहे थे, और फिर थोड़ी सी भैंस जल गई, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा जल गई थी। अब तो भैंस चलो काफ़ी ठीक है, घास घूस लग पड़ी है खाने, और अभी जो मतलब ड्रिप वगैरह लगाए थे उसे मैंने, फिर तो ठीक है। देखिए, अगर आपके नज़दीक भी पशुशाला है तो आपको 2-3 चीज़ों का तो ध्यान रखना चाहिए। आपके नज़दीक पशुशाला है तो वहाँ पे आपका एक तो तेज़ धार हथियार होना ही चाहिए, ताकि जब भी कभी आग लगे तो आप जल्द से जल्द पशु का जो गले से रस्सा बांधा होता है उसको आप जल्द से जल्द काट सकें, है ना। और एक तो आपके गर्मियों के दिन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके जहाँ पे आपका गोड़ होता है, जहाँ पे आपकी पशुशाला होती है, पशु को बांधते हैं, उसके नज़दीक पानी होना चाहिए, क्योंकि आग कभी भी कैसे भी लग सकती है और आग तब कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो आपका एक तो बाल्टी और पानी बल्क में होना चाहिए, और साथ में दराट या दराटी, कोई भी पैनी तेज़धार हथियार आपके पशुशाला के अंदर नहीं, बाहर जैसे होना चाहिए, आपके रूम के नज़दीक या कहीं आपके पशुशाला के बाहर जैसे। क्योंकि ये जो भैंस जली है इस पशुशाला में, एक तो इनके जितने भी हथियार थे, जो भी दराट या दराटियाँ वगैरह थी, एक तो गोड़ के अंदर थी और गोड़ के बाहर जैसे आग लग गई थी, और भैंस भी इन्होंने बाहर ही बांधी थी लेकिन उसके नज़दीक लकड़ियाँ वगैरह रखी थी। तो हाँ, ये एक गलती बिल्कुल भी ना करें कि अपने जो पशुशाला है उसके साइड में लकड़ियों के भारे वगैरह आप सूखे वहाँ पर रख देते हैं, जैसे पशु चारा डालते हैं और उसके बाद जो लकड़ियाँ होती हैं उसको आप साइड में ही, जिनको आप कनारू वगैरह भी बोलते हैं, तो आप वहाँ पर रख देते हैं। तो वहाँ पे आग लग गई थी और उसकी वजह से भैंस पूरी झुलस गई थी। तो आग इतनी ज़्यादा थी कि भैंस 40-45% बिल्कुल जल चुकी थी, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से भैंस बच गई है। उसको ट्रीटमेंट भी दिलाया इन्होंने, बहुत कुछ मतलब मालिक ने भी बहुत एफर्ट्स लगाए। मतलब पूछ गया तो मैच ठीक हो गया, हरी कहने भाई इतनी आग लगी हुई थी, फिर बिल्कुल ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक चलाया और अच्छा सारे तो मैं देख रहा था, मेरा हाथ यहाँ भी ये छाला पड़ गया था। अभी बारिश का मौसम भी आ रहा है धीरे धीरे करके, और बारिशें भी हो रही हैं, और आपको पता है कि मक्की बीजने का टाइम हो गया है। तो हमारे यहाँ तो हमने मक्की बीज दी हुई है, और हम क्या करते हैं कि हमारे ढलान वाले खेत होते हैं थोड़े से, तो उनमें हम चले निकालते हैं, जैसे पानी को निकालने के लिए कुल सी निकालते हैं। तो मैंने घर पे अब काम करना पड़ता है, तो छाला पड़ गया है ये वाला, क्योंकि जो फावड़ा होता है, झाम बोलते हैं इसको, खींचनी पड़ी मेरे को इस तरह से चले निकालने के लिए। यहाँ पे ये छाला पड़ गया। अब टाइम हो रहा है घर जाने का तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ मुझे काम है
और गौशाला को अभी हम बाय बाय करते हैं फ़िलहाल के लिए, और शायद हम कल भी आएंगे यहाँ पे क्योंकि बारिशें हो गई हैं और यहाँ पे हमने बीज बोना है, तो बीज बोएंगे। एक ये वाला खेत है, एक परे वाला और एक परे जाके, तो तीन खेत हैं, तीन खेतों में बीज बोया जाएगा। तो हल वाला तो अभी सिस्टम रहा नहीं, ट्रैक्टर आएंगे और यहाँ पे बीज बोएंगे फिर हम, और साथ साथ में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अभी मैं फील्ड में जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खड्ड में भी काफ़ी पानी आ गया है पीछे, और रास्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पानी देखो खड्ड में। मुझे मेरे फ्रेंड्स और घर वाले पूछते हैं कि तो पैदल क्यों आता है, तो मुझे अच्छा लगता है पैदल आना। जब कुछ मिल जाता है यहाँ से ट्रक वगैरह तो मैं ट्रक में आ जाता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ऐसे बसेस की फैसिलिटीज़ तो है नहीं, और मुझे लग रहा है ट्रक आ रहा है कुछ, और ट्रक आ रहा है। ट्रक आने के बाद तो फ्रेंड्स मैं फाइनली पहुंच गया हूं घर, और देख सकते हैं मेरा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं शाम के टाइम फ्री हो गया, और अब मैं इवनिंग वॉक पे आ रहा हूं उस लोकेशन पे जहां पे मैं आपको बता रहा था कि यहां पे आग लगी थी। तो ये सामने वाली पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम तुंग है। यहां पे आने का एक अलग ही आनंद आता है क्योंकि आप देख रहे हैं, और इवनिंग वॉक में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहीं पे आता था। और पहले मैं जैसे रनिंग करने आता था तो जो हिल्स रनिंग किया करता था, तो मैं इसी एरिया में किया करता, यहाँ से वो एंड तक, यहाँ से होके ये पूरा ये वाला व्यू है यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं आना जाना रनिंग भी किया करता था। तो ये जो लोकेशन है मेरी बेस्ट एवर है यहाँ की। जब कभी भी मैं फ्री होता हूँ अपने कभी भी मेरा कोई दिन ऐसा फ्री जाता है तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो इस पहाड़ी के परे वाली साइड जो है बहुत खेत हैं जहाँ पे हम मक्की या गेहूँ वगैरह सीजनली बोते हैं मतलब। और पहले क्या हुआ करता था कि जितने भी बंदर वगैरह हुआ करते तो यहाँ पे चढ़ जाते थे, क्योंकि यहाँ पे आदमी चढ़ नहीं सकता, लेकिन बंदर वगैरह जो थे झाड़ियों का मतलब स्पोर्ट पकड़ के उनको ऊपर चढ़ जाते थे। तो ये बहुत मतलब इस पहाड़ी के साथ बहुत यादें जुड़ी हैं हमारे गांव की। मेरे साथ एक डॉगी है और ये खेल रहा है, हेलो। और मैं अपने कुछ कज़न के साथ यहाँ पे आया था, तो वो अपने डॉगियों को भी घुमाने ले आए हैं साथ में। तो मैं आपको एक डॉगी से मिलवाता हूँ जिसका नाम है लीज़ा, और ये फीमेल डॉग है, ये है, और ये है डोगो अर्जेंटिनो। हेलो लीज़ा, हेलो। तो ये डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड है, और स्पेशली ये इम्पोर्ट हैं इसके मदर फादर अर्जेंटीना से, तो उनकी ये फीमेल बेबी है जो कि अब तो एक दो बार बच्चे भी दे चुकी है। तो शिकारी है क्योंकि हंटिंग पे से ले जाते हैं, और हिमालयन हंटिंग ग्रुप की ये मेंबर भी है, तो मेरे ख्याल से उसी को लीड करती है ये लीज़ा। देखिए मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा कि ये ऐसे हंटिंग करते हैं, मैं इन सब चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि ये ऐसी है। और इस पहाड़ी के साथ साथ ये सामने वाली रेंज है, ये धौलाधार रेंज है, तो जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे तो एक बर्फ़ की चादर बहुत ही अच्छी दिख रही है। अभी इस कैमरे में नहीं दिख रही, लेकिन सामने से हम आँखों से देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बर्फ़ की चादर सी पड़ी हुई है ये वाली, बहुत ही सुंदर व्यू आता है ठंड के टाइम में भी, और ऐसे भी जब वहाँ पे सामने स्नोफॉल होता है
तो मतलब एडोरेबल एकदम, मतलब दिल खुश हो जाता है यार यहाँ से। मन करता है कि यहीं पे घर बना लें और सामने से इस नज़ारे को पूरा दिन देखते ही रहें। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जो कि मुझे एक बच्चे ने भेजा था। गाइस ये देख लो, इन लोगों ने पक्का मेरे दिमाग का धज्जिया उड़ा के रखा। देखो कैसा आग दिखाई जलाई है। और तुम लोगों को तो मेरा पहला वाला वो तो पता ही होगा, पहला वाला ब्लॉग, उसमें भी इसी आग के बारे में बताया। वो क्या है ना, ये मेरे को आग, मेरे को बात बताओ, इन छोटे जानवर को भी तो तकलीफ होती है। और चिड़िया तो ऊपर से उड़ रही होगी, लेकिन धुआं की वजह से मोरों के बच्चे मर गए होंगे, मोर मर गए होंगे, चिड़िया मर गई होगी। अब ये मत पूछने लग पड़ना कमेंट सेक्शन में कि चिड़िया कैसे मरेगी, वो तो उड़ जाती है। दिखा दो, चिड़िया को धुएं से नफरत है इसलिए वो उड़ नहीं पा। और आप मान नहीं सकती, ये इतने छोटे बच्चे ने मुझे वीडियो बना के भेजा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो अपलोड भी करता है यूट्यूब पे। उन्होंने मुझे भेजा था ये वीडियो कि ऐसे ऐसे यहाँ पे आग लगी है, और लोगों को, लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में कि जो ये आग लगा देते हैं तो इससे कितने जीवों को परेशानी होती है, चाहे वो पक्षी हो या कोई गोरैया हो या फिर कोई और रेंगने वाले जो जीव होते हैं वो हो। देखिए आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी पहाड़ी पे आग लगेगी तो कितने जीवों को नुकसान हुआ होगा। और जब भी मैं ऐसे, जब आग नहीं लगी थी उससे पहले, जब मैं यहाँ पे इवनिंग वॉक पे आता था तो यहाँ पे बहुत से पक्षी बैठे हुआ करते थे, बहुत यहाँ पे इस साइड बहुत ही चहल पहल रहती थी। और आज जब मैं यहाँ से गुजरा तो बिल्कुल ऐसे सुनसान सा इलाका पड़ा हुआ था जैसा, और यहाँ की बिल्कुल ही ब्यूटी ही ख़त्म हो गई। चलो ब्यूटी तो बाद आ ही जाएगी, लेकिन जो इस आग में झुलस गए जी वो दोबारा तो नहीं आ सकते। जिस दिन यहाँ पे आग लगी थी उस दिन इतना शोर शराबा हो रहा था पक्षियों का कि मतलब जैसे किसी इंसान के घर पे आग लगी हो या पूरा गांव जल रहा हो और पूरे लोग एकदम से मतलब हाहाकार मची हो पूरे गांव में, तो वैसा ही सेम सिनेरियो यहाँ पे चल रहा था उस टाइम। और मतलब ये तो दिल दहलाने वाला एक तरह से, वो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ पे एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों तक, आप तक मैसेज भी जाए कि हमें ये सब चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। और जो ऐसा काम करते हैं आप उस वीडियो को जरूर उस बंदे तक पहुँचाएँ कि भैया ऐसे आग नहीं लगाते हैं जैसे आप लगा रहे हो। पर ये सारे अपने अपने घर चल पड़े हैं, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट डे किसी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए मैसेज के साथ आपके साथ मिलूंगा। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो कैसा होना चाहिए, या मेरे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है मुझे तो वो भी आप मुझे बताएं कि वीडियो में क्या चीज़ जो है वो आपको चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए।